It's hard for me to let go. Like top of the world. But I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you. But I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting. What's up YouTube family, सत श्री अकाल, जय भोलेनाथ। सभी सब्सक्राइबर व्यूअर को मेरा प्यार भरा और मेरे दिल से नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका मसूरी की सुनहरी सुबह के साथ मेरे नए व्लॉग में। सबका नज़ारा आ रहा है रूम से ही और सुबह टाइम लगभग बज रहे हैं 7 और अब मैं जो है अभी सुबह सुबह तैयार हो चुका हूँ। बच्चे वगैरह तो सब सो रहे हैं। सो मेरे को आज जाना है, बेसिकली छोटी सी ट्रैकिंग है जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन। सामने ये 5-6 किलोमीटर दिखा रहा है होटल से, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। बने रहिएगा व्लॉग में, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। ट्रैकिंग में चलते हैं, शायद स्कूटर हायर करना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश हो रही है तो शुरू करते हैं व्लॉग का। जेके भोलेनाथ का नाम होटल से मैं निकल चुका हूँ, बैग वैग लेके। रास्ते में ले लूंगा पानी की बोतल, लेनी जरूरी है। हल्का फुल्का स्नैक, स्कूटी स्कूटी देखता हूँ, आगे मार्केट में मिल जाएगी ऑटो। चलो चलते हैं लेके भोलेनाथ का नाम। बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है क्योंकि मौसम ने अलग मज़ा बांध रखा है। और अब जो ट्रैकिंग करेंगे हम इस मौसम में, हो सकता है, मेरे को उम्मीद है बहुत खूबसूरती देखने को मिलेगी। बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, स्कूटी मैंने हायर कर ली है यहीं मार्केट से एंड अब मैं निकल चुका हूँ। स्कूटर थोड़ा सा पेट्रोल रिफिल करा लेते हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर है यहाँ से होटल से एंड उसके बाद ट्रैकिंग है जो कि दो तीन किलोमीटर की बताई गई है। सो चलिए फिर पेट्रोल भरा लेते हैं, हम निकलते हैं। स्कूटी ये खड़ी है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर ट्रैकिंग अपनी। हालत ख़राब हो गई, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। धूप तो आने लगी थोड़ी थोड़ी, तो होप मौसम क्लियर हो जाए, अच्छा व्यू दिखे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। और सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, पानी तक नहीं पिया, ऐसे उठा फ्रेश हुआ और निकल गया। नाश्ता वहीं करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे, चाय कॉफ़ी वहीं पीएंगे। टॉप में पड़ी है नज़ारे के साथ, आज ठंड बहुत लग रही है। हाय दोस्तों, ये बच्चे मिले हैं लिफ्ट के लिए और मैं जा रहा हूँ जॉर्ज एवरेस्ट, तो सोचा इनको स्कूल छोड़ दिया जाए, लिफ्ट मांग रहे थे। अपना अपना नाम तो बता दिया यार, स्वाति सिद्धि, बस बहुत शर्मा रही है यार। कहाँ है ये मॉनिटर है तुम्हारी क्लास का? हेलो, बाय, वेलकम। चलो अब इनको छोड़ने तो मैं आ गया, अब मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा 2-4 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, बच्चों ने लिफ्ट मांगी दे दी। अरे बहुत ख़राब रास्ता है ये तो यार, स्कूटी तो ऐसा लग रहा है आप गिरे आप गिरे, लेकिन सामने बड़ा सुंदर लग रहा है ये रास्ता, बहुत ख़राब है। All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on. तो लगभग 9 बजे जो है यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये किसी का प्राइवेट एरिया है, तो इस जगह को बोलते हैं हाथी पाँव। इस जगह को बोलते हैं हाथी पाँव। यहाँ पे पार्किंग लगा दी है स्कूटी एंड अब
ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अंदर आप स्कूटर नहीं ला सकते, यहाँ पे बंद करा हुआ, तो यहीं तक स्कूटर ला सकते हैं। सो कॉफ़ी पीते पीते चल रहा हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो एक कॉफ़ी मार लेता हूँ, फिर ऊपर जाके देखेंगे नाश्ता पानी। चलिए फिर करते हैं ट्रैकिंग शुरू, लेके भोलेनाथ का नाम। थैंक यू। In this imperfect world, but I'm learning my way on earth. This maze that I'm running through now, when I think of you, I'm fine. See a picture of you, it would eat me alive. And now, when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. Hi, Budu. एक बंदा नहीं दिख रहा, लेकिन फाइनली एक डॉग दिख गया मेरे को। हाँ दोस्त, क्या नाम है तेरा? दोस्त बोटो। भूख लगी है? आएगा बिस्किट? क्या देख रहा है तू, कुछ है क्या? चॉकलेट बिस्किट हाथ मत खाइए। फाइनली कोई तो दिखा। साइकिल लेके भी आ रखे, साइकिलिंग कर रही है यहाँ पे, बंदा नहीं दिख रहा, साइकिल चल रही है। क्या हो गया? चल कुछ नहीं करे, कुछ नहीं, आराम से निकल जाए। ऑल वेल ओके। मुझे डरा के रहे, एक साइकिल से भगते हुए आया, एक वैसे रनिंग करते हुए आया भगते हुए, कुछ है तो नहीं, पर देख के भगते भगते आ रहे लोग नीचे। हम भी भगते हुए आ जाएंगे, कुछ बहुत हूँ, गिरते हुए आएंगे, भगते हुए नहीं। I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving. कुछ कैंप्स वगैरह भी बने हैं यहाँ पे, आप लोग अगर कैंप भी करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंपेनिंग भी होती है। बढ़िया वाला रास्ता नहीं आ रहा ये तेरा घर? इतने बड़े घर में रहता है तू? एवरेस्ट बेस कैंप पार्क कैफे, ओके This is kind of cafe. वाह, क्या साफ आसमान आ रहा है। ये कुछ अच्छा जॉर्ज एवरेस्ट जी का जो प्लेस है पहले से वो आ गया। बड़ी खूबसूरत जगह है भाई, जिस जगह के नाम पे ये पड़ा है ना, एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, ये उनका बड़ा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। मैंने पहले देखा था, बन रहा था 4-5 महीने पहले, दोबारा बना है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, बेसिकली उनका है ये, दोबारा बना है पीछे। बेहतरीन धूप के साथ कुएं लगा, कुएं। I'm finally healing from you. I'm finally. अपन लोग आए हैं वहाँ से, यहाँ रास्ते से आए, ये सामने जॉर्ज एवरेस्ट जी का हाउस, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर को और ऊपर, 1 किलोमीटर और है, और ये रास्ता कहाँ जाता है, आई गेस जहाँ तक मेरा अनुमान है ये वहाँ तक जाता है, यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए वहाँ जाना है। मौसम क्या है? चलो फिर अभी तो यहाँ है, थोड़ी देर बाद वहाँ आऊँगा मैं। सो दोस्तों हमें मिले हैं अंकित भाई, हमारे भैया, हेलो बोल दो मेरे व्यूअर्स को। नमस्कार। बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है इन्होंने, ये ट्रैकिंग कैंपेनिंग सब कराते हैं। नंबर एक बार बता दो अंकित भाई अपना। 7351-7351-355-240 डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी भी इस एरिया में आके यहाँ पे आप ट्रैकिंग या कैंपिंग करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें कराते हैं। मतलब इन्होंने ऐसी चीज़ बताई कि जॉर्ज एवरेस्ट जो है यहाँ पे, ये यहीं से पीक पे, ये ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग है सामने, पीछे दिखाऊंगा आपको।
ये है ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग, ये यहीं से ही, अंकित भाई क्या बता रहे हो, यहीं से ही ऑब्जर्व हो गए, यहाँ से माउंट एवरेस्ट का हाइट कैलकुलेट किया, यहाँ से किया, तभी उसका नाम पड़ा है एवरेस्ट, तो उनके नाम माउंट एवरेस्ट। अच्छा अच्छा, और इंडिया का मैप भी है, बता रहे हो यहीं से ऑब्जर्वेटरी, ये जो हाउस है यहीं से सारा मैप बना है, ताकि एडवेंचर कराते हैं भाई, स्टार गेजिंग करवाते हैं, स्टार गेजिंग बता रहे, कॉम्बैट शावर वॉक करवाते हैं, फुल नाइट, अच्छा अच्छा, वाइल्ड लाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, अच्छा 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 अच्छा, यहां पे उड़ने वाली गिलहरी दिखाएंगे आपको, उड़ने वाली गिलहरी। भैया आप तो बड़े काम के बंदे हो हमें, ठीक है अंकित भाई, आपने बहुत अच्छी शेयर करी इन्फॉर्मेशन, आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा मैं। रास्ता है गाइस, बहुत ही प्यारा रास्ता है, ये देखो पीछे, लेकिन खतरनाक भी है, थोड़ा सा लुढ़के सीधा पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे, थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन उतना ही ब्यूटीफुल रास्ता, और शोर शराब आ रहा है मुझे, शोर शराब आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, फोन है, देखो आवाज़ आ रही है। लेकिन दिख नहीं रहा है कौन कहाँ से बोल रहा है। रास्ता जैम, इधर भी रास्ता जैम, अरे जाने दो भाई, जाने दो, चल ले ऊपर साइड से चढ़ के आ गया हूँ मैं, हटी नहीं रहे, अरे चल गाय माता क्या, आज आ जाओ, ट्रैकिंग भी चढ़ी जा रही, थैंक यू, हो गया। लगता है सारी गाय माता थक गई हैं। एक्चुअली क्या है ना, प्लेन तक वो चढ़ लेती हैं, वो रखी हैं सीढ़ियों में, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट है ना, तो शायद ही इनको सीढ़ियों में चढ़ने में दिक्कत होती है या आदत नहीं होती है। थोड़ा सा सांस लेता हूँ क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, दो मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, अभी तक मैंने रेस्ट नहीं लिया है लेकिन अब थोड़ा सा ले लेता हूँ। रास्ता तो और पतला पतला होता जा रहा है, पहले मोटा मोटा था, अब बहुत पतला पतला होता जा रहा है, गए सीधा नीचे, थैंक यू, ऊपर आने में। तो चलो आराम आराम से चलते हैं। से मैं आ रहा हूँ, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, आई गेस ऊपर वाला ही होगा, कहीं गलत ना चला जाऊँ फिर से। पिछली बार मैंने प्लिक में गलत चला गया था मैं, अरे भाई बुरा फंसा, बहुत बुरा, एक घंटा ख़राब हो गया था। तो अगर आपने मेरा नैना पीक वाला व्लॉग नहीं देखा है, उसमें भी ट्रैकिंग करी थी मैंने, पूरा स्नो ही स्नो था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एंड उसको भी चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, नैना पीक वाला ट्रैकिंग, वो तो विंटर्स में किया था, स्नो ही स्नो थी, खतरनाक, प्लीज़ 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 डू चेक इट आउट। सो दोस्तों, आई होप आपको दिखे, मुझे तो फ्लैग्स दिखने लग गए हैं, थोड़ा सा रह गया आई गेस 100-150 मीटर रह गया, ये ना एकदम खड़ी चढ़ाई है, देखो खड़ी चढ़ाई, अब चलिए शायद कोई मिल जाए वहाँ पे ऊपर तो अच्छा लगेगा, पूरा रास्ता अकेला ही चलता हुआ आ रहा हूँ। नहीं अकेला नहीं आया, मेरे साथ भोटू भी आया था, जो डॉग मिला था, काफ़ी देर तक साथ चला लेकिन फिर नहीं।
I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign. Wow. दिख रहा है दोस्तों, अब मुझे ना ऐसा लग रहा है टॉप में आने वाला हूँ, मुझसे एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही, फटाफट टॉप में पहुँचने का मन कर रहा है। अरे बाप रे, सो गाइस फाइनली ये है जॉर्ज एवरेस्ट पीक आपके सामने एंड बहुत ही ऑसम है, दिखाऊंगा शॉर्ट्स लेकिन वर्थ है मेहनत। चलिए दोस्तों तब तक मैं अपना कंपनी एंजॉय कर लेता हूँ, रेड बुल एंड स्निकर, थोड़ा सा स्नैक खा लेता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट बैठ लेता हूँ शांति से, फ्रेश हवा लेता हूँ, तब तक आप सिनेमैटिक व्यूज़ थोड़े से लूँगा एंड टाइम लॉस वो एंजॉय करिए, फिर निकलते हैं थोड़ी देर में, मैं इंजॉय करिए तो व्यू, ठीक है। चलिए दोस्तों 10 बजे मैं पहुंच गया था, 9 बजे नीचे से चला था एंड 40 मिनट बैठा हूँ यहाँ पे आराम से, फ्रेश हवा, मज़ा लिया है नज़ारे का एंड आप लोगों को भी होप पसंद आया हो ये व्यू वगैरह सारा। सो चलिए फिर अब चलते हैं, नॉन स्टॉप नीचे उतरते हैं, अब लोग ऊपर चल रहे हैं, 10:50 11 बजे और मैं नीचे आ रहा हूँ। सही है, जब मैं गया था ना सुबह सुबह जाओ खाली था, टॉप में सिर्फ मैं अकेला था, बाद में एक कपल और आ गया था, सुबह सुबह बढ़िया रहता है, और अब तो धूप भी बढ़ गई ऊपर, थोड़ी सी गर्मी सी भी लग रही थी लेकिन सुबह बढ़िया सही था, ठंडा ठंडा। चलिए चलते हैं नीचे, 10 मिनट में मेरे ख्याल से मैं आधे से आधा 1/3 आ गया हूँ, 30% 10-20 मिनट में नीचे पहुँच जाऊँगा, ऊपर आते हुए 1 घंटा और नीचे जाते हुए 1/2 घंटा में भी। चलिए एक और मिशन अकम्प्लिश्ड, मज़ा आ गया। आपको जो कर रहा हूँ ये थोड़ा बहुत ही है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा, कैंपिंग से लेके ट्रैकिंग से लेके टू डू लिस्ट में मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दबा के शेयर करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को दिखा सकूं और अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। चलिए चलते हैं फटाफट गोली की स्पीड से। हेलो भाई, सो फ्रेंड 11:10 पे अपनी ट्रैकिंग एंड होते हुए हाथी गांव में वापस आ गया हूँ मैं, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, वहाँ अपनी स्कूटी लगी हुई है, यहाँ से स्टार्ट करी थी,
10:11 मतलब मैं आते हुए 20-30 मिनट में नीचे आ गया, ऊपर जाते हुए 1.25 घंटा लग गया था घंटा। सो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं दूसरे ब्लॉग को जो फैमिली वाला ब्लॉग है। चलिए प्लीज़ प्लीज़ चेक आउट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव वंस। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस ब्लॉग, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। और एक बहुत जिम्मेदारी भी बनती है अगर आप ऐसे कहीं भी एरिया में जाते हैं तो जो भी अपने साथ ले जाएँ वो वापस ला के डस्टबिन में फेंकें, हमेशा बैग कैरी करें, बैग में रखें। जैसे कि ये मैंने खाया पिया था और वापस ला के डस्टबिन में फेंक दिया, तो ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाएँ प्लीज़ प्लीज़ सारे। और सेव सॉइल, सेव नेचर, सेव मदर अर्थ, ये ज़रूर ध्यान रखें। किकली खेल रहा हूँ मैं बीच में। अरे साला चक्कर आ गए।